हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से राजनीति। शिमला बावरी को भाजपा द्वारा टिकट नहीं मिलने पर अग्रवाल धर्मशाला में आम बैठक के दौरान भारी विरोध जताया। विधायक शिमला बावरी को भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने समर्थकों को व सर्व समाज को बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला में एक आम मीटिंग बुलाई, जिसमें पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी ने सर्व समाज के लोगों से विधायक ने सलाह मशवरा किया और उनसे राय मांगी। सभी ने एक स्वर में कहा कि शिमला बावरी का टिकट काट कर भाजपा ने गलत काम किया है, जबकि संतोष बावरी ने अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में घटसाना उपखंड क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य न के बराबर करवाए गए हैं। ऐसे लोगों में संतोष बावरी के प्रति नाराजगी भी है और उन्होंने शिमला बावरी को निर्दलीय चुनाव लड़ने का मशवरा दिया। सभी का सम्मान रखते हुए सर्व समाज के कहने पर वह भाजपा पदाधिकारी के कहने पर शिमला बावरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया। सर्व समाज के लोगों ने शिमला बावरी को सफा पहनकर उनका स्वागत किया। आज की बैठक में भाजपा नेता मोहनलाल शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल, किसान मजदूर मोर्चा संग्रह समिति के हनुमान प्रवासरा अग्रवाल, समाज प्रधान अशोक बंसल, भाजपा नेता जगदीश जाखड़, सत्राना सरपंच पति जसपाल सिंह गिल, भाजपा नेता ओम यादव व भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं सर्व समाज के लोग मौजूद थे। सभी ने एकमत से पूर्व विधायक शिमला बावरी का समर्थन करने का फैसला किया। शिमला बावरी द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा से भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। भाजपा के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई है और संतोष बावरी के लिए परेशानी का कारण हो गया है। केशव पारिक, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव प्रकाश बहादुर, सरपंच अर्जुन मेघवाल, गणपत राम बावरी, निहाल सिंह बिश्नोई, अनूपकर जगदीश राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपी भोकर मौजूद थे। दिया सारस्वत की खास रिपोर्ट। जाने लोग किसी को टिकट मिलता तो हमारे यहाँ की जनता साथ में थी, लेकिन भाइयों पिछली बार है।